विश्व वानिकी दिवस के पूर्व संध्या पर कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित पूर्व दस्यु सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रातस्मरणीय परमश्रद्धेय बाल मुकुंदाचार्य जी, मुख्य वानिकी वन संरक्षक चौधरी साहब, सौरभ जी, जावेद भाई, पूर्व दस्यु पंचम सिंह जी, बलवंत सिंह जी, जावेद जी, मुन्ना सिंह जी और रेणु यादव जी, सीमा परिहार जी, सामने बैठे हुए पूरे सभी दस्यु भाई बहन, उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में आए अतिथिगण भाइयों बहन, विष्णु लांबा जी का काफी समय से संस्कृति संरक्षण वन संरक्षण का कार्यक्रम चलता आ रहा है और अभी साल भर पहले से मुझे कह रहे थे कि पूर्व दस्युओं का एक कार्यक्रम करेंगे और मेरी केंद्रीय वन मंत्री जी से बात हुई है, आप पत्र लिखते हैं तो वो आ सकते हैं। मैंने पत्र भी लिखा पर कुछ कारणवश उनका आना हुआ नहीं। मैं विष्णु जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। एक लक्ष्य निर्धारण करके आप कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम की सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। कार्यक्रम तय करना और उसको करना अपने आप में बहुत अहम कार्य है। कार्यक्रम कई तय होते हैं, बाकी उस लक्ष्य तक हर आदमी पहुंच नहीं पाता। विष्णु जी और आपके पूरे इस कर्तृत्व संस्था के सभी संस्था के सदस्यों को, सहयोगियों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक टाइम था जब बारिश खूब होती थी और वन भी खूब लगते थे। आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि बारिश तो कम होना चालू हो ही गई है, वन काटने की परंपरा भी बहुत अधिक बढ़ गई और अभी सभी दस्यु भाइयों ने एक चिंता जाहिर की और चिंता जाहिर करके अभी कहा गया कि हमें एक एक क्षेत्र बताया जाए तो हम वनों की रक्षा कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपके इस जो आपने अभी बात रखी है उसके लिए लिखूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं आग्रह करके पत्र लिखूंगा कि जो भी पूर्व दस्यु हैं उन लोगों की जो भावनाएं और उनकी भावनाओं का कदर करते हुए उनको कुछ कुछ हिस्सा वन संरक्षण के लिए लिखना चाहिए, तो बताना चाहिए। जब एक एक व्यक्ति कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और हमें पंचम सिंह जी ने कहा कि हम लोग रहते थे तो कोई पत्ता भी नहीं तोड़ पाता था, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा ही नहीं। पहले डाकू आए तो सारे लोग घरों में घुस जाते थे, बाहर कोई निकलता नहीं था, पत्ता तोड़ने की तो बात दूसरी है। घर की रक्षा ही नहीं कर पाता था तो बाहर जंगल की रक्षा करने के लिए तो उसका वनों को नष्ट करने का तो दुस्साहस पैदा ही नहीं कर पाता था। मैं आप लोगों के इस आज संकल्प लिया आप लोगों ने कि हम वनों की रक्षा करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जल संरक्षण अभियान का अभी आगाज किया है और पूरे प्रदेश में कई साधु संतों को आगे करके, कई एनजीओ को आगे करके, कई अच्छे पैसे वाले एनजीओ जो व्यवसायी उद्योगपति है उनको आगे करके जल संरक्षण करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया और पूरे प्रदेश में वो बड़े जोर शोर से जून के अंत तक काफी जो हमारी बावड़ियां हैं, जोहड़ है, नदी तालाब हैं, उनका संरक्षण करने के लिए, उनकी खुदाई करने के लिए एक काम किया है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके लिए लिखूंगा कि राजस्थान से जो जो संबंध पूर्व दस्यु संबंधित हैं उन लोगों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ें ताकि एक अच्छा काम होगा। पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जिसमें हमें हरे वृक्ष लगाना आवश्यक है, हमें पशु पक्षी बचाना आवश्यक है, हमें जानवर बचाना आवश्यक है। आज
पर्यावरण होता है तो हमारे वन जीव भी खुश रहते हैं और हमें भी अच्छी आबहवा मिलती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का पर्यावरण बचाने का काम किया है, और आपने देखा होगा कि उनके आह्वान पर जो गैस सिलेंडर मिलते थे उन गैस सिलेंडरों की सब्सिडी छोड़ने की बात उन्होंने कही। और आपको आश्चर्य होगा कि उनका एक कहना 85 लाख लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी, उससे वन संरक्षण का काफी काम होगा। और जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें धुओं में आंखें खराब करती थी, उनको धुओं से भी बचना होगा। तो हम सब लोग विचार करके एक दृढ़ संकल्प लेकर वन संरक्षण की बात करें। और आज हम वानिकी दिवस के पूर्व संध्या पर बैठे हैं। विष्णु जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा दिन चुना है, और इस अच्छे दिन के चुनने से या जितने भी लोग बैठे हैं संकल्प लेकर जाएंगे कि हम एक एक वृक्ष को लगाएंगे और लगे हुए वृक्ष की हम रक्षा करेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ये सार्थक काम होगा। आप लोग इस गुलाबी नगरी में पधारे, सभी दस्यु भाई, उनका मैं इस गुलाबी नगरी में मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आपने जो अपना पूरा जीवन दस्यु बनकर जिया और अब श्रेष्ठ काम के लिए आप जीवन जीना चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो। और इसके लिए जो भी मेरे लायक आप काम बताना चाहें, जो भी आप मेरे लायक काम देखें उसके लिए आप मुझे बताएंगे, मैं भी आपके काम में सहयोगी बनकर आपकी पूरी मदद करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बुलाया, विष्णु जी आपको पुनः धन्यवाद देता हुआ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और हमारे माननीय बाल गंगाधराचार्य जी इस कार्य के मुख्य वक्ता हैं, पूरी बात आपको बताएंगे। मुझे 2-3 कार्यक्रमों में 3 बजे जाना था, 4:30 बजने आए हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हुआ बाल गंगाधराचार्य से विशेष माफी चाहता हुआ मैं प्रस्थान करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।